ये रहा हमारा यूनिट टेस्ट, पहला टेस्ट एक है, और इसकी हम रैंक निकाल लेते हैं कि कौन सी रैंक इसकी आई है, और उस रैंक के हिसाब से इसमें बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जो सही से टेस्ट दिए हैं उनकी संख्या करीब आप कह सकते हैं 56 लोगों ने बिल्कुल सही से टेस्ट दिया। कुछ लोगों का इसमें वैसे भी गड़बड़ हो जाता है, कभी कभी लोग समझ नहीं पाए क्योंकि पहला टेस्ट था। फिर भी इसको अगर हम देखें तो ये शुरू की 10 रैंक, ये देखिए इन्होंने 120 क्वेश्चन, अगर ये बिल्कुल सही से इन्होंने अटेंड किया है तो इस अटेम्प्ट में इन्होंने 120 में से 114 करेक्ट किया है, और आप देखिए साथ में इनके केवल इनकरेक्ट जो हुए हैं वो केवल 6 क्वेश्चन हुए हैं, केवल 6। इतनी एक्यूरेसी अगर रहेगी तब तो बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छी बात है, इतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट है इनका। 280 मार्क्स इनके आए हैं। फिर क्षमा चौहान का है, सुनील सुमन का है, क्षमा चौहान का 110 करेक्ट है, 10 इनकरेक्ट है, और सुनील का 114 इन्होंने अटेम्प्ट किया है, 106 इनका करेक्ट है। और आगे ऐसे ही हम देखें तो यहाँ पर एक मिनट मैं इसको कलर ले लेता हूँ, जिससे कि ये देखिए, चलिए ऐसे ही देख लेते हैं। ये सुनील चौहान का 106 सही है, अशोक कुमार का 103 सही है, 11 गलत हुआ है, और संजय कुमार यादव का 85 सही हुआ है, 117 इन्होंने अटेंड किया है, 32। बढ़िया स्कोर है, रियलिटी के करीब है, और पास होने के लिए तो बहुत है। आशुतोष कुमार, शिवांगी बंगेर, उपमा सिंह, इन सबके स्कोर देखिए, आशुतोष का 79 सही है, 20 गलत है। ये मार्क्स लिखे हुए हैं, एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का था और निगेटिव मार्किंग 2.5 की 1/3, यानी कि 0.833 इसकी निगेटिव मार्किंग थी। तो इसमें आपको जब निगेटिव मार्किंग के पेपर आप करें तो ध्यान रखना चाहिए कि जो भी क्वेश्चन आपको आते हो उनको करें, और बहुत कम है तो 50-50 पे जाएं। और आगे अगर हम बढ़ते हैं इसमें तो ये देखिए, इसमें ये अनुराग तिवारी, इनका जो मार्क्स आया है वो है 157, उनके क्वेश्चन अटेम्प्ट किए इन्होंने 96, 71 क्वेश्चन इनके करेक्ट हुए हैं, 25 इनके इनकरेक्ट हैं। फिर गुंजन शर्मा 70 करेक्ट है, 25 इनके इनकरेक्ट हैं, 154 मार्क्स आए हैं। फिर ऐसे मीनाक्षी सिंह हैं 11वें नंबर पर, सारिका हैं, और महेश कुमार साहू हैं। ग्रुप में तो ये पूरी लिस्ट शेयर कर दी गई है। तो ये बीओ बैच का ये टेस्ट है, बीओ बैच में जिन लोगों ने एडमिशन ले रखा है उन लोगों ने ये टेस्ट दिया है, और आप लोग ऐसे रेगुलर टेस्ट देते रहें, अच्छे से आप तैयारी करें। यूनिट वाइज टेस्ट पहले होंगे, फिर फुल टेस्ट आपके लिए जाएंगे, फुल टेस्ट में पूरा सिलेबस होगा। तो अभी हिस्ट्री हमारी चल रही है, तो हिस्ट्री का ये टेस्ट था, हिस्ट्री में एंशियंट हिस्ट्री कंप्लीट हुई है, मेडिवल अभी चल रही है, तो आप लोग आगे भी ऐसे पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।